हेलो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और आज का हमारा वीडियो है एंकर फास्टनर पर। क्या होते हैं ये एंकर फास्टनर, कैसे इनको यूज करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एंकर फास्टनर हैं। वैसे तो ये प्लास्टिक के भी होते हैं, बट ये वाले जो हैं ये हैवी वेट कैरी नहीं कर सकते हैं। हमारे जो ये एंकर फास्टनर हैं उस पर आप हैवी ऑब्जेक्ट का लोड बड़े आराम से दे सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके अपने फास्टनर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फास्टनर है वो है एंकर बोल्ट फास्टनर। इसको हम लोग रावल बोल्ट भी बोलते हैं। ये लगता है कंक्रीट की वॉल्स में, मार्बल में और नेचुरल स्टोन में। जब भी आप इनको इंस्टॉल करें तो एक खास बात याद रखिए कि ये सॉलिड सरफेस में बहुत अच्छे से लगते हैं। इसके बाद जो फास्टनर आता है इसको हम लोग वेज एंकर बोलते हैं। ये सिल्वर कलर में ही आता है। इसको आप लोग वेज कंक्रीट एंकर फास्टनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंक्रीट सरफेस में ही लगते हैं। बेसिकली तब यूज होते हैं जब आपको किसी कंक्रीट सरफेस में कोई पोल लगाना हो, या फिर आपको कंक्रीट सरफेस में कोई हैवी ऑब्जेक्ट इंस्टॉल करना हो। ये स्टोन या फिर ब्रिक्स में नहीं लग पाते हैं। अब मैं आपको जरा ये दिखाता हूँ। बेसिकली ये कोई फास्टनर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डी हुक हैंगर। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आपको सीलिंग पे कोई फैन लगाना हो, या फिर झूमर लगाना हो, या फिर झूला ही क्यों ना टांगना हो। इसके बाद ये जो आप फास्टनर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्लीव एंकर फास्टनर। ये सिल्वर कलर में आते हैं और ये पाइप एंकर फास्टनर के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर जो आप ये वाला फास्टनर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं होलो वॉल एंकर फास्टनर। बेसिकली ये जो POP की वॉल्स होती हैं उसमें लगते हैं। इसके लिए किसी पेचकस या फिर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट आप इसको ऐसे टाइट करते जाएंगे अपने हाथ से ही और ये फिट हो जाएगा। रीज़न ये है कि POP की वॉल्स बहुत ज़्यादा कच्ची होती हैं, और यदि आपको उस वॉल पे कोई ऑब्जेक्ट टांगना हो तब फिर ये वाले एंकर फास्टनर बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इसके बाद आते हैं ये वाले हमारे फास्टनर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राई वॉल एंकर। ये जो ड्राई वॉल एंकर है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें आप वॉल या फिर सीनरी कुछ टांग सकते हैं। ये हैवी वेट कैरी नहीं कर सकते हैं। घरों में जो सबसे ज़्यादा फास्टनर यूज़ होते हैं वो ये वाले फास्टनर यूज़ होते हैं। इसको वॉल रिवेट, प्लास्टिक रिवेट या फिर प्लास्टिक की कील भी बोलते हैं। इन सारे फास्टनर में जो सबसे अच्छा फास्टनर है, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट कैरी करता है, वो ये वाला फास्टनर है। इसको हम लोग स्विंग एंकर फास्टनर बोलते हैं। ये हुक बोल्ट फास्टनर के नाम से भी आता है, या फिर आप इसको रावल बोल्ट हुक भी बोल सकते हैं। इसका मैं जरा आपको वेट करके दिखाता हूँ कि इसका वेट कितना है। तो आप देख सकते हैं कि ये 121 ग्राम का है। ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट है। ये एंकर फास्टनर बड़े आराम से 200 किलो तक का लोड ले सकता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है झूला लगाने में, या फिर हमारे जो जिम के कंपोनेंट्स होते हैं जो सीलिंग के थ्रू आते हैं उसमें ये एंकर फास्टनर लगते हैं। इसके बाद जो हमारा फास्टनर है वो है पिन एंकर फास्टनर। पिन एंकर फास्टनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पिन लगी रहती है। तो आज हम लोग इस फास्टनर के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिन एंकर फास्टनर कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, और आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ में भी हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न हैं। सबसे पहली बात, ये जो हमारे पिन एंकर फास्टनर हैं ये रावल बोल्ट फास्टनर से सस्ते आते हैं। इनका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अगर आप रावल बोल्ट फास्टनर इंस्टॉल करते हैं तो आपको 6 mm के रावल बोल्ट में 12 mm का ड्रिल करना पड़ता है, और यदि आप 8 mm का रावल बोल्ट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपको 14 mm का ड्रिल करना पड़ता है। बट ये जो हमारे पिन एंकर फास्टनर हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने mm का हमारा पिन एंकर फास्टनर होता है उतने mm का ही हमको ड्रिल करना होता है, और बिगनर्स इसे बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। पिन एंकर फास्टनर हमारे दो टाइप्स के आते हैं। एक तो आते हैं नर्लिंग वाले और दूसरे आते हैं विदाउट नर्लिंग। देखिए मैं आपको इसमें ज़रा नर्लिंग दिखाता हूँ थोड़ा पास करके। ये देखिए इस पर नर्लिंग बने हुए हैं, जब आप इस पर उंगली फेरेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं इन कंपैरिजन टू विदाउट नर्लिंग। ये देखिए जो दूसरे मेरे सेम हैं पिन एंकर, इसमें आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई नर्लिंग नहीं दिया गया है, बिल्कुल ही यहाँ पे चिकने हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप पिन एंकर फास्टनर लें तो नर्लिंग वाले ही लें। पिन एंकर में दो टाइप्स के नट आते हैं, एक तो आते हैं फ्लैंज नट और एक दूसरा आता है सिंपल नट। ये देखिए जरा मैं आपको ये फ्लैंज नट दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली फ्लैंज नट है, ये नट है, इसमें ये वॉशर लगा हुआ है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लैंज नट वाले ही पिन एंकर फास्टनर लें।
दूसरे भी आते हैं जिसमें फ्लेंज नट नहीं होता है, ये हमारा नॉर्मल सा नट होता है, इसमें फिर आपको वॉशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे यदि आप इसको भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, बट हाँ मजबूती के हिसाब से ये वाले नट थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके बाद यदि हम इसके साइजेस की बात करें तो ये M6 से लेके M24 तक आते हैं। जैसे ये वाला जो मेरा फास्टनर है इसका साइज़ है M6, मतलब 6 mm का है, और ये फिर है हमारा 10 mm का। और इसके बाद जो साइज़ हैं वो आते हैं M12, M16, M20 और M24। M24 तो बहुत बड़ा साइज़ हो गया, खैर वो सब इंडस्ट्रीज यूज़ में होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनमें साइज़ चलते हैं वो चलते हैं M6 से लेके M10 तक। पिन एंकर का जो आप कलर और ये मटेरियल देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं येल्लो डाइक्रोमेट प्लेटेड, जो कि जिंक के ऊपर होता है और ये एक अच्छा मटेरियल माना जाता है। एंकर फास्टनर लगाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा कि आप हमेशा रोटरी हैमर ड्रिल मशीन का ही यूज़ करें। रीज़न ये है कि यदि आपको 20 mm का फास्टनर लगाना है तो आप नॉर्मल ड्रिल मशीन से वो फास्टनर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल ड्रिल मशीन होती हैं वो 13 mm तक ही होती हैं। दूसरी बात, ये जो ड्रिल मशीन है ये कंक्रीट और स्टोन में इतने आराम से नहीं ड्रिल कर पाती हैं जितने आराम से हमारी रोटरी हैमर ड्रिल कर लेती है। सपोज आपको हुक रावर बोल्ट सीलिंग पे लगाना है तो इसके लिए तो आपको रोटरी हैमर ही लगेगी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेमोस्ट्रेशन। एंकर फास्टनर का वॉल पे डेमोस्ट्रेशन देने से पहले जरा मैं इसको आपको बेंच वाइज पे लगा के बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पर मैंने अपने फास्टनर को लगा दिया है, ये है इसकी पिन, यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूंगा। अब जब मैं इसकी पिन पर यहाँ पर टैप करूँगा हैमर से तो जो नीचे वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ये एक्सपेंड हो जाएगा और ये फिर वॉल में लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप टैप करेंगे ऊपर से तो ये जो इसका फ्लैंज नट है, मेक श्योर कि ये बोल्ट के ऊपर आए। ये देखिए, कम से कम ये इतना ऊपर आना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो नट है ये बोल्ट के इतना ऊपर कम से कम आना चाहिए, ताकि जब आप हैमर से टैप करेंगे ऊपर तो आपका ये जो बोल्ट है ये डैमेज नहीं होगा, ये डैमेज होने से बच जाएगा और जो इसका टैपिंग है ये इसके बोल्ट पर आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सपेंड हो चुका है, ये जरा मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पिन के ऊपर जब हमने हैमर टैप किया था तो ये एक्सपेंड हो चुका है। बेसिकली ये एक जगह से एक्सपेंड इसलिए हुआ है क्योंकि ये मैंने बेंच वाइज पे लगाया था, जब आप इसको प्रॉपर वॉल में लगाएंगे तब ये चारों तरफ से एक्सपेंड होगा। तो चलिए अब हम इसका इंस्टॉलेशन करते हैं वॉल पर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पिन एंकर फास्टनर में जितने mm का हमारा फास्टनर होता है उतने mm की हमें ड्रिल बिट यूज़ करना पड़ती है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 10 mm का फास्टनर और ये जो मेरी ड्रिल बिट है ये भी है 10 mm की। तो जब भी आप ड्रिल करें मेक श्योर कि इतना तो ड्रिल होना ही चाहिए, ये देखिए। बट मैं आपको कहूँगा कि 1 से लेकर 1.5 cm तक और ड्रिल कर लीजिए ताकि बिल्कुल ये अच्छे से अंदर चले जाए। देखिए मैं ज़रा इसको आपको नाप के दिखाता हूँ। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो आ रहा है कुछ 2.75 inches तक, मगर हम लोग इसको पूरा 3 inches तक का ड्रिल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें 3 inches तक ड्रिल करना है, तो ये जो डेप्थ रॉड है इसको मैंने 3 inches पर सेट कर दिया है। चलिए अब हम करते हैं अपना ड्रिल। तो ये आप देख सकते हैं डेप्थ रॉड मेरा पूरा वॉल पे आ चुका है। तो यहाँ तक हो चुका है हमारा पूरा 3 inches तक का ड्रिल। तो यहाँ पे थोड़ा ज़रा मैं आपको पास से बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे अपना फास्टनर, उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपनी पिन और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा एक और नट, ताकि जब हम लोग टैप करें तो इसका ये वाला पोर्शन ख़राब ना हो और नट पर ही लगे। तो सबसे पहले मैं ये वाले नट को खोल लेता हूँ। ये बेसिकली मैंने सेफ्टी के लिए लगाया था ताकि मेरे बोल्ट को कुछ भी ना हो। तो ये देखिए ये आ चुका है। इसके बाद इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए अब ये जो मेरा फास्टनर है बहुत अच्छे से लग चुका है, अब ये कभी नहीं निकलेगा। ये देखिए अगर मैं आपको थोड़ा घुमा के दिखाऊँ, देखिए कितना अच्छे से कितना प्रॉपरली ये लगा है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। मैं आपको यहाँ से भी ज़्यादा दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ लगा है। और अगर अब आपको इन फ्यूचर इसको निकालना है
तो आप दो कंडीशन में ही निकाल सकते हैं। पहला तो आपको ग्राइंडिंग से इसको कट करना पड़ेगा, और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा इसको ठोक के अंदर करना पड़ेगा। तो ठोक के अंदर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको ग्राइंडर से इसको काटना पड़ेगा। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ये डी हुक हैंगर होते हैं, इनकी मदद से आप बहुत कुछ चीज़ टांग सकते हैं या लटका सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा फास्टनर लग गया है, अब जस्ट मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा ऐसे, और यहाँ पर जो मेरा नट था उससे मैं टाइट कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं एक ड्रिल करके इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा। तो ये अब बहुत मजबूत हो जाएगा, फिर कुछ इस प्रकार से सीलिंग पे लग जाएगा, यहाँ पर आपके दोनों बोल्ट आ जाएंगे, फिर आप इस पर कुछ भी टांग लीजिए, आप पंखा टांग लीजिए, आप इस पर झूला टांग सकते हैं, झूमर टांग सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंकर फास्टनर बिल्कुल अच्छे से लगाना सीख गए होंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। और एंकर फास्टनर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहां से भी जाके आप उसको ले सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।